मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो आज बनेगा खट्टा पालक। इसके लिए पालक साग को मैंने धो के रखा है इसमें, और थोड़ा सा इमली, इतना सा ही इमली मैंने थोड़ा सा पानी में इसको भिगा के रखती। टमाटर, रेड चिली, ग्रीन चिली, और ये है करी पत्ता, और इतना सा शक्करकंद मैं बॉयल करके रखी हूँ। अब मैं पालक साग को काट लूँगी, टमाटर को मिक्स में पीस लूँगी, इसका पेस्ट बना लूँगी, और इमली का जो बीज है इसको निकाल देना है, और इसका थोड़ा सा खट्टा पानी बना लेना है। अब पकाना शुरू करती हूँ। गैस में मैंने पैन रखा दिया है और पैन गर्म हो गया है। ऑलिव ऑयल, आप कुछ भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल या रिफाइंड ऑयल। और मैं डालूंगी ये जो पालक साग। गैस को मैं मीडियम टू हाई में रखूंगी, जब तक ये पालक थोड़ा सा फ्राई हो जाता है। इसमें डालूंगी मैं हल्दी पाउडर। पालक साग को 4 से 5 मिनट तक पकाने के बाद मैं इसमें डालूंगी टमाटर का पेस्ट जो मैं ऑलरेडी बना के रखी हूँ। अभी भी इसमें ऐड करना है नमक। ये इमली का पानी मैं तैयार करके रखती हूँ। अब मैं इसको इसमें डाल दूंगी और थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करना है। जो शक्करकंद में बॉइल करके रखी थी अब इसको मैश करके मैं इसमें डालूंगी। पानी के बाद सब्जी को और 5 से 6 मिनट पका लेना है। मैंने इसको पका लिया है, अब ये बन चुका है और इसको बॉल में मैं निकाल दूंगी।